बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगर। नाज़रीन, जमात इस्लामी जो है हमारे मुल्क की ऐसी जमात है जिसमें इलेक्शन भी होते हैं, और उनके जो लीडर हैं जनाब कायद अमीर जो हैं सराजुल हक के साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक मौका पे कि वो सही मानों में सादिक और अमीन है। लेकिन चले, ये तो अब एक ऐसा पोलिटिकल मामला है जिसको कोई दूसरी पार्टी सादिक और अमीन कह दे तो तीसरी पार्टी उसको जनाब ये उसके ऊपर नए से नए फतवा लगा देती है। लेकिन उनके जो एक सेनेटर है मुश्ताक साहब, वो आजकल इवाने बाला में बड़े ही सुलगते हुए इश्यूज जो हैं वो उठा रहे हैं। उन्होंने जजों की पेंशन से लेके मुल्क में मौजूद माफियाज तक और करप्शन के हवाले से ऐसी ऐसी चीजें अवाम के सामने रखी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब की इवाने बाला में की गई ये तकरीर सुन लें। एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है, 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मरात पर, टीएडीए पर एक यूनिट बिजली, एक यूनिट गैस, एक लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो मिस्टर चेयरमैन। इसी तरह एफबीआर है, एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें मिस्टर चेयरमैन। गैर तरक्याती अखराजात को कम करें, गैर तरक्याती अखराजात। इस वक्त यह हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। यह सियासी रिश्वत है, यह आइंदा इंतखाबात के लिए है, यह गरीबों का पैसा है, इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, बैरूनी मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जलजले के लिए अमरीका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डिफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरूनी मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरांदोजों के ऊपर आप हाथ डालें मिस्टर चेयरमैन। आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई, गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, अवाम को लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरांदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में है। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीस दे। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें, हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, आवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। ये मेरे सामने मोहतरम वजीर आजम साहब का बयान पड़ा है, मैं वो रीड करके सुनाता हूं। वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं अभी यूएई से होकर आया हूं, मैंने पहले फैसला किया था कि उनसे मजीद नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और उनके सदर को कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमें $1 अरब और दे दें। ये है, ये 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 आप देखिए, ये पाकिस्तान का चेहरा है वजीर आजम। वो कह रहे हैं मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन आप मेरे भाई हैं तो एक अरब डॉलर और दे दें। मिस्टर चेयरमैन, डॉलर की कीमत बेकाबू है, रुपए जो हैं वो कागज का टुकड़ा है। एफडीआई में
ऑर्डर प्लीज सेनेटर सिंह। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 60% कमी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के एक्सपोर्ट 10% कम हुए हैं, आटा इस वक्त 20 किलो तेला 3000 रुपए में मिल रहा है और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो इस वक्त 33% तक इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स वो जाने वाला है। ये मिस्टर चेयरमैन कल की पिशावर के रेट्स हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं, ये सुन लीजिए। चावल 330 रुपए किलो, चीनी 90 रुपए किलो, घी 560 रुपए किलो, आटा 2700 रुपए किलो, वो कमजोर आटा, और चाय की पत्ती 1800 रुपए किलो, और दाल चना 250 रुपए किलो। ये मिस्टर चेयरमैन, ये मैं पूछना चाहता हूं वजीर खजाना साहब से कि अगर आप माहिर मईशत हैं, और मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं अगर इनके दिलों में गरीब का दर्द है तो वो इन कीमतों के साथ मुझे एक क्लासफोर का, एक दिहाड़ीदार का, एक मजदूर का, एक गरीब आदमी का बजट बना के दिखा दें। ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को कुचल रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने सेनेटर मुश्ताक साहब का गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने बड़े बबांगे दोहल तरीके से उन्होंने वजीर आजम को भी नहीं बख्शा, वही जो वो उन्होंने कहा कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूरी है, $1 अरब और दे दें, उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। अगरचे उनके पीछे आवाजें पड़ती रही लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और कौम को उन्होंने सच्चाई जो है वो बयान की। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है नाजरीन, IMF हम पे दबाव डालता है कि आवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाए, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए हमारे पास मशीनरी है FBR, और जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब ने बताया है कि सबसे बड़ा करप्ट इदारा जो है FBR है, सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां उनके पास है और इसमें कोई शक भी नहीं है। FBR वाले देखें ना, FBR वालों के पास इतने अख्तियार हैं, वो जिस मर्जी चाहे बड़े आदमी पे, बड़े अमीर कबीर आदमी पे हाथ रख दें और फिर अपनी मतलूबा नतज हासिल करने के बाद उसको कहें कि जाओ भी मौजें करें। जाहिर है जिसे कोई एक बड़ा अफसर, मेंबर या सेक्रेटरी या दूसरे, उनका तो खैर सेक्शन ऑफिसर भी बहुत भारी होता है, जब वो मतलूबा नतज हासिल कर लेगा, मतलूबा सहूलत उसको मुयसर आ जाएगी, फिर तो उस कारोबारी तबके को छूट वाजिर हो जाएगी कि वो जितना मर्जी टैक्स चोरी करें, जो मर्जी मुल्क कौम के साथ वारदात करें। नागरिक जो ये जो हम मुसलसल नीचे गए हैं, ये मुसलसल जो हम पे कर्ज चढ़ा है उसमें एक बड़ी वजह जो है हमारी FBR का इदारा भी है, जिसने लोगों से टैक्स तो इकट्ठा किया, हमारा खून तो निचोड़ा, लेकिन उसने जो टैक्स इकट्ठे किए वो शराफिया पे लग गए, और बाकी जो कारोबारी तबका जिनसे उन्होंने बड़े टैक्स इकट्ठे करने से उन्होंने अपने हाल को, बल्कि जिसको पंजाबी में कहते हैं कि उनसे मिलकर उन्होंने अपना लक सीधा कर लिया। तो नाज़रीन, ये चूंकि खौफनाक करप्शन की दास्तानें हैं, अच्छी बात है ऐवान में बयान की जानी चाहिए। सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो बयान किया, शुक्र है कि सेनेटर मुश्ताक साहब एक रवायती रंगबाज सियासतदान नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आने वाले वक्त में हो जाए तो कोई पता नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि वो रंगबाजी नहीं करते, वो अवाम की बात कर रहे हैं, और वैसे भी उन पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है सेनेटर मुश्ताक साहब पे कि उन्होंने अवाम का खून निचोड़ के बड़े बड़े महल्लात बना लिए हों या बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां ले ली हों, लिहाजा उनकी गुफ्तगू जो है उस वो पुरअसर भी है और काबिले गौर भी है। तो नागरिक, इसमें जो चीजें देखने वाली हैं कि हम IMF के सामने क्यों गुलाम बने। IMF के सामने हम गुलाम इसलिए बने कि IMF हमें फंसाने के लिए कर्जे देता रहा, आसान शरायत पे कर्जे देता रहा, लेकिन जब अब हम डूब गए और पानी सर से गुजर गया तो अब उन्होंने कड़ी शरायत रख दी है। अब हमने कड़ी शरायत क्या रखी है, ये तो हमारे कौमी लीडर आपको बता रहे हैं, हमारे जो नाम नहाद लीडर हैं वो बता रहे हैं कि जनाब हमारे एटमी हिसाब से भी गरीबी रख दिए गए हैं, और के साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि नहीं हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ओ यार, बात ये है कि जब आप ने गिरवी रख दिया, और इसी का यही वो उनके पास टारगेट था कि जनाब ये आप गिरवी रखें तो फिर आपको हम कर्जे देंगे, तो फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे। वैसे भी कोई एटमी मवाद इस्तेमाल करना जो है गुखाला जी का बाड़ा, उसके इस्तेमाल के लिए भी हम किसी और तरफ देखते हैं, पूरी कौम एटमी मवाद जो हमारा एटम बम है उसकी हिफाजत पर लगी हुई है, लेकिन चले अशराफिया की मौजें हैं, उन्होंने एटम बम भी गिरवी रख के कर्जा ले लिया। ये जो कर्जा है ये उन्हीं पर लगेगा, आवाम की हालत नहीं बदलेगी। आपके सामने है सैलाब मुल्क में आया हुआ है, और हमारे हमें अपने जो सैलाब जदगान है उनकी मदद करनी चाहिए थी। क्या खूब कहा जनाब मुश्ताक साहब ने कि जिस बंदे ने $30 मिलियन तुर्की के लिए अमेरिका में दिए हैं,
वो क्यों नहीं पाकिस्तान को देता, उसको पता है कि पाकिस्तान को दूंगा तो उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये लम्हे फिक्रिया है जो उनकी गुफ्तगू है। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।